जौनपुर में आज एक घटना होती है जिसमें दुर्गा पूजा के दौरान कुछ लोग हिंदू युवकों के साथ मारपीट करते हैं, पंडाल पर पथराव करते हैं। और ऐसा सिर्फ जौनपुर ही में नहीं, तमाम जगह पर जहां पर भी हिंदू देवी देवताओं की शोभा यात्राएं निकल रही हैं, पंडाल और देवी जागरण जहां किए जा रहे हैं, वहां पर भी इस तरीके की छुटपुट घटनाएं सामने आती हैं। आखिर ऐसे लोगों की मंशा क्या है, आखिर वो क्यों देवी देवताओं को निशाना बनाते हैं और इस तरीके की तोड़फोड़ या फिर पथराव या हिंदू युवकों के साथ मारपीट क्यों करते हैं, ये जानने के लिए आगरा की जनता से हम बातचीत कर लेते हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा सब क्यों हो रहा है। सर, सबसे पहले आप बताइए। सर, धार्मिक यदि कोई पथराव हो रहा है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। बस ये उत्तर प्रदेश सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मंशा क्या होती है? मंशा है तो सर गलत है, जो भी मंशा है किसी भी समुदाय की या किसी आदमी की, तो गलत है ये और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो प्रशासन कर ही रहा है, लेकिन ये लोग जानबूझ के टारगेटिंग करते हैं कि साहब हमें ये टारगेट बनाना है और या फिर जबरदस्ती की छोटी छोटी बातों में लड़ाई को बढ़ाने का काम करते हैं। नहीं, हाँ सर, माहौल खराब करना चाहते हैं और गलत है सर ये, बस यही कहना चाहता हूँ। सर, पिछले एक वर्ष से देखा जा रहा है कि हिंदुओं के हर त्योहारों पर दिन पर दिन अराजकता दूसरे मजहबों के द्वारा बढ़ती जा रही है। उसका खाली लोकल लेवल पर ये साजिश नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पर साजिश चल रही है और इनका मेन जो है हिंदुओं को उकसाना है ताकि लड़ाई हो और माहौल खराब हो, सरकार के विरुद्ध दूसरी चीजें जो खड़ी करी जाए। सरकार जो आगे बढ़ रही है, हमारी सरकार, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उसमें रुकावट पैदा करें। इसमें कुछ हमारी भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं जिनकी शय के ऊपर ये सब काम हो रहे हैं। अच्छा, देखा अभी हाल ही में ये भी देखा गया था कि जब यति नरसिंहानंद की बात सामने आई थी तो उनको एक बार को कार्रवाई सरकार ने कर दी, उनका मुकदमा लिख दिया, उनको जेल भी भेज दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम आंदोलन उग्र आंदोलन देखने को मिले थे, इन्होंने तमाम आंदोलन किए, तो क्या जानबूझ के माहौल खराब करने की कोशिश? माहौल खराब करने का ही है, उसके पीछे दूसरे हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हीं की शय है, उन्हीं की शय के ऊपर ये सारा हो रहा है और माहौल खराब करने के लिए, क्योंकि अब यूपी के इलेक्शन भी आ रहे हैं, जो मिड टर्म आ रहे हैं उनमें उसकी वजह से ये और यूपी में ज्यादा उपद्रव हो रहा है। आपसे जानेंगे कि हमारा मुद्दा जो चर्चा इस समय चल रही है वो ये है कि अभी हाल ही में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां पर हिंदू युवकों के साथ मारपीट की गई, उनके पंडालों पर या देवी जागरण कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? माहौल खराब करना है सर, बिल्कुल ये देश की स्थिति को खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपस में भाईचारा सभी के साथ में है, पर पता नहीं ये राजनीति है क्या है, इसके बारे में कुछ कह रही है सर। क्या होना चाहिए फिर आपको क्या लगता है, जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है कि सब लोग साथ में रहें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जो लोग ऐसे काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए जी। सर, आप किस तरह ले रहे हैं सबको? तो देखिए, देश प्रगति कर रहा है और कुछ लोगों को शायद ये अच्छा नहीं लगता, ये देश प्रगति क्यों कर रहा है, सही राह पर क्यों चल रहा है। इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकती हैं, गैर हिंदू संगठन भी हैं, पर कुल मिलाकर हिंदुओं को ही टारगेट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश में ये सामंजस्य बिगड़ता है, तो सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त ऐसे लोगों को चिन्हित कर अच्छा एक्शन लेना चाहिए ताकि ये आजीवन ये लोग समझ को समझ सकें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या हिंदू इतना सॉफ्ट कॉर्नर है कि मतलब चाहे उनके गीता पर, आप एक समाजवादी पार्टी के नेता थे वो पहले गीता पर बयान देते थे, धर्म पे तुरंत बयान देते, उनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ऐसी बातों के लिए हम हिंदुओं को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा ताकि ऐसे लोग जो हमारे जो भी शास्त्र हैं या गीता वगैरह जिनको इतना हल्का समझते हैं उनके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर खड़े हो सकें ताकि ऐसी वो बातें आगे भविष्य में ना दोहरा सकें। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी लगातार दुर्गा पूजा वगैरह हो रही है, जौनपुर में एक घटना सामने आई कि वहाँ पर दुर्गा पंडाल पर कुछ लोगों ने हमला किया, पथराव किया, उनको पीटा, तो ये क्या आप ये सोच रहे हैं कि हम रसिया या मतलब यहाँ पर बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही, क्या हो क्या रहा है? नहीं, ये हमारे जो राजनीतिक वोटों की राजनीति है ना, उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो अभी तक केवल इसलिए वोट की खातिर ये सारे काम करवा रहे हैं, इसमें धर्म के लोग कम और नेता लोग जानबूझकर इस उत्तरंद को करवा रहे हैं। उनका उद्देश्य ये है कि इस तरह के दंगे हों और हम सरकार चलाएं। उन्होंने अभी तक राजनीतिक जो करी है कि धर्म को विभाजित कर और राजनीतिक करी है, जैसे अभी सेक रहे हैं, और जैसे अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने कहा ना
कि हिंदुओं की तो जाति की पूछते हैं, मुसलमानों की जाति नहीं पूछते हैं। तो उनका मेन कारण यही है, केवल ये जातियों को बांट के, हिंदू धर्मों को बांट के और हिंदुओं को बांट के और हम राजनीतिक करें। हिंदू एक नहीं हो पाएगा, इनकी तरफ जाएगा और क्या कहते हैं इनको वोट देगा, ये अपना सर गवर्नमेंट में आए। नहीं, अभी ये ऐसा देखने को भी मिला कि छोटी छोटी बातों में तूल पकड़ लिया गया, है ना, और जबरदस्ती तूल देने की कोशिश की गई। आप तो क्या लगता है इसमें? यही लगता है कि हमें सब लोगों को सोचना चाहिए कि भविष्य में इस तरह का ना हो और सब हिंदुओं को कम से कम एक होना चाहिए और ये जातिवाद को छोड़कर हमें एक हो जाना चाहिए। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा था कि अगर मतलब एकजुट नहीं होंगे तो फिर मतलब कटेंगे। यही सच्चा है, सच्चाई ही यही है। क्या कहेंगे इस तरीके? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा जिस तरह के पथराव करना, जिस तरह के असामाजिक तत्व असामाजिकता फैला रहे हैं समाज के अंदर, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये अच्छा कृत्य नहीं कर रहे हैं। ये पत्थरबाजी करना, हमारी ट्रेनों को डिरेल करना, हमारे मंडल पर, हमारे मतलब दुर्गा पूजा जो हो रही है उन पंडालों पर अतिक्रमण करना, पत्थरबाजी करना, लोगों को परेशान करना, हमारे जो गुजरात में गर्मी हो रहे हैं यहाँ तक कि उसमें भी इनकी साजिश चल रही है, तो उसको भी असफल कर दिया जाए, बाकी महिला बहन बेटियों को छेड़ाखानी करना। तो मैं तो ये एक विश्व हिंदू महासभा के नाते ये कहना चाहूंगा कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और अतिशीघ्र करनी चाहिए। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा है जो पहले हिंदू था। अब हिंदू एकजुट होकर इन लोगों को बिल्कुल जवाब देने के लिए तत्पर तैयार है। बिल्कुल ये सारे जो काम कर रहे हैं ये लोग हमारे कई भाईचारे संबंधी हो सकते हैं। अगर भाईचारे संबंध होते तो हम लोगों ने कभी इनके मुहर्रमों पर, इनके जुलूसों पर कई पथराव नहीं किया। हिंदू ने कई पथराव नहीं किया, इन लोगों ने हमेशा पथराव किए हैं, बदतमीजियां की हैं और ये करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। और राजनीतिक सपोर्ट इनको राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है, इस वजह से ये लोग कर रहे हैं राजनीतिक सपोर्ट। जो वो दुश्मन है वो हमारे अंदर ही है, वो हमारे अंदर ही है और इनको राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है तो इसलिए ही कर रहे हैं। आज यूपी के अंदर किसी भी मुसलमान की बोलने की हिम्मत नहीं होती है, उसका कारण क्या है कि राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पहले इनको राजनीतिक सपोर्ट मिलता था तो इसलिए ये थानों पे, चौकियों पे जाके ग्राब कर लेते थे और अपने आदमी को छुड़ा लाते थे। आज की तारीख में योगी जी ने, उनकी गवर्नमेंट इतनी अच्छी चल रही है तो राजनीतिक सपोर्ट नहीं मिल रहा तो हिंदू और मुस्लिम यूपी में हो ही नहीं रहा है। अगर जहाँ पे अगर करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो फेल विफल हो जाता है। तो ये जितना भी हिंदुस्तान में हो रहा है हिंदू मुस्लिम ये हो रहा है, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि क्या कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू एक हो गए, हिंदुओं को एक नहीं होना पड़ेगा, हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। जो पार्टी हमारे लिए हित की है वो कर रही है और जो अगर इन किसी भी जनरल व्यक्ति में ये हिम्मत नहीं होती है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कि वो किसी तरह का दंग ना कर सके। शख्स होते हैं जो माहौल खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं वो होते हैं, वैसे किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं होती है। राजनीतिक सपोर्ट मिलता है और ये दंगे इसलिए होते हैं। अभी देखा गया था, हाल ही में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातें जैसे रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर की खबरें सामने आ रही है, ट्रैक को उसे कोशिश की गई, तो ये सब जो है कि मतलब ये बस ये हाँ ये विलफुली गवर्नमेंट को डिफेम करें कि ये जो गवर्नमेंट कहती है कि हमने प्रोग्रेस की है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये प्रूव करे जाते हैं कि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत खराब है। उनके जो काम हो रहे हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं है, इसलिए उनको डिफेम करने के लिए, गवर्नमेंट के ऊपर लांछन लगाने के लिए ये सब हरकतें की जा रही हैं। और जो चंद रुपए देखे, 500 रुपए देखे, इस तरह की एक्टिविटीज कराई जा रही हैं एक एक आदमी से। और बाकी सर आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को, आप सुन रहे हैं कि लगातार जो हमारे जागरण हो या धार्मिक पंडाल हो वहां पर इस तरीके की चीजें, छोटी छोटी बातों को लड़कर फिर प्रदर्शन खराब करना, उसको माहौल को खराब करना है। देखा गया है जब से योगी जी की सरकार आई है यूपी के अंदर, तब से विपक्षी दल जितने हैं वो सब इनके ऊपर हावी होना चाहते हैं और वो हर तरीके से हिंदुओं के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत धारणा है उनकी। और हमारा तो यही मानना है कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और ऐसे लोग माहौल खराब कर रहे हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, तब ये माहौल शांत रहेगा। क्योंकि इनको कुछ लोगों को पच नहीं रहा है कि योगी जी की सरकार इतना अच्छा क्यों कर रही है, जो कि माहौल खराब करने के लिए विपक्षी दल लगे हुए हैं। क्या लगता है कि जो अपराधी है उनको सजा देना क्या गलत है, गलत बात है, या हमारे जो देवी देवता हिंदू धर्म के जो कार्यक्रम होते हैं उस पर ये लोग जबरदस्ती अटैक कर रहे हैं? ये हमारे इस वक्त प्रदेश सरकार की जो राजनीति है ना,
सबसे ज्यादा गंदी हो चुकी है, क्योंकि जब तक ये विपक्ष में, अब ये इन्होंने एक मुद्दा उठा रखा है कि मतलब सांप्रदायिकता, और हम हिंदुओं को कम से कम एक बार एक होना चाहिए और तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और जितने भी मुद्दे हैं हमारे योगी जी तभी वो शांत कर पाएंगे। और आपने एक सवाल मुझसे किया कि जौनपुर में, मैं आपको बता दूं, आज जौनपुर में एक घटना हुई जहां पे पंडाल को निशाना बनाया गया, दुर्गा पंडाल को, युवकों संग मारपीट की गई, वहां पथराव किया गया, छोटी छोटी बातों को लेकर ये बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। बिल्कुल गलत है ये, इसमें योगी जी को पूरा हस्तक्षेप करना चाहिए, और हम हिंदुओं को भी इस पूरा एक संगठित होना चाहिए, और संगठित होकर तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज तो आप समझदार हो कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ये हम पे इस तरह के हावी हो चुके हैं और योगी जी के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं, और हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। बहुत संक्षेप में बता दीजिए, क्या एकजुट होने का समय आ गया? बिल्कुल आ गया सर, मेरे हिसाब से तो एकजुट होना ही अब पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे लिए। आज समय की पुकार हो गई है कि सारे हिंदुओं को, जाति को छोड़ के, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे किसी भी तरह ब्राह्मण हो, कोई भी हो, क्षत्रिय हो, सबको एक साथ एक छाते के नीचे आना पड़ेगा, तभी इसके ऊपर दबाव बनेगा, उसका हल यही निकलेगा। सर बहुत 20 सेकंड में बता दीजिए, बहुत संक्षेप में, कि क्या लगता है आप, क्या समय आ गया और क्या आप कदम उठाना चाहिए सरकार को? सरकार को इनके विरुद्ध जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, और जो भी ये कर रहे हैं उनको प्रॉपर न्याय के द्वारा सजा मिलनी चाहिए। आप बता दीजिए आखिरी। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, एक हिंदू होने के नाते हम लोग जातिवादी में ना बटें, और सभी हिंदू एक होकर इन चीजों का बिल्कुल कड़ाई से पालन करें, और कोई भी अगर अपराध तत्व या असर उसका विरोध करें, असामाजिक तत्व किसी भी जाति का हो उसका हम विरोध करें, क्योंकि इन लोगों की बहुत ज्यादा ही आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ चुकी हैं अब, जो कि असहनीय है। और मैं चाहूंगा, जो हमारे आदरणीय योगी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और योगी जी की सराहना पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जो नहीं करता हो। विपक्षी पार्टियों का बगैर नाम लिए कहना चाहूंगा, उन्हीं की पनाह में रहकर ये कृत्य कराए जा रहे हैं। हर आदमी नहीं चाहता है कि ऐसे कृत्य करे, हम चाहेंगे खाली बस कि सब हिंदू एक होकर सत्ता का साथ दें। बिल्कुल, और देखिए तमाम जनता से हम बातचीत कर रहे थे, आगरा की जनता से थे, और इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश होती हैं, राजनीतिक कहीं ना कहीं इस तरीके से मंच उन्हें देने की कोशिश की जाती है, कोरी बाबाई लूटने के लिए या माहौल खराब करने के लिए इस तरीके की घटनाएं होती है। ऐसे में जनता का सीधा रुख है कि एकजुट होकर जवाब, अब वो समय आ गया है जब हिंदुओं को जवाब देना पड़ेगा, और सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए ताकि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत न कर सके।